व्हाट इज अप बॉयज एंड गर्ल्स की हाय। हाँ जी, तो जैसा मैंने तुम्हें कल की वीडियो में बताया था कि आज भैया मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ ये कैरिना ब्लॉकमैन गो के टूर्नामेंट में। सो वेल हियर वी आर। और वेल भैया, एक चीज मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये टूर्नामेंट हुआ था सुबह, क्योंकि भैया मैं टूर्नामेंट अपने हिसाब से तय नहीं कर सकता, ठीक है? जब होना था तब हुआ, तो ये सुबह का टूर्नामेंट है, सो दैट्स व्हाई मैंने सुबह रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैं इस पे सिंपली वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बट वेल यप यू गाइस हैव मजा आल्सो, क्योंकि या मतलब भैया कमेंट्री भी करने में एक्सपर्ट है तुम्हारा भाई, सो यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है? एंड उसके अलावा टूर्नामेंट में भैया बहुत ही सारे रूल्स थे कि रन्स नहीं लगाने हैं, ये नहीं लेना है, वो ना लेना है, इन्वेंट्री यूज नहीं करनी, फलाना ढिमका। इसलिए मेरा दिमाग खराब, मैंने नया अकाउंट ही बना लिया, ठीक है? नया अकाउंट एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर है ना, मेरे को अभी भी ये लोग ट्यूटोरियल दे रहे हैं कि भैया कैची ले, बुल ले, बैट डिफेंड कर, फलाना कर, ढिमका कर, देख रहे हो ना, सब चीज वही है। सो यप दिस इज न्यू अकाउंट, नथिंग मेरे पास, ना जी क्यूब ना रन, कुछ भी नहीं, ठीक है? लिटरली अकाउंट बना के सीधा मैं यहीं पे आया हूँ, तो यप कोई ये नहीं कह सकता कि भैया मैंने चीटिंग की है, बट किसी ने तो चीटिंग की है। अब किसने की है वेल, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। एंड यप यहाँ पर मेरे हंसने का कारण ये था कि यप हमारे बीच में आई भी था, मेरी टीम में आई भी आ गया था, एंड बाकी दो को मैं नहीं जानता क्योंकि सबने अपने अपने नाम चेंज कर रखे हैं। मेरा नाम तुम देख सकते हो ओजी अटोमिक्स, क्योंकि ओरिजिनल अटोमिक्स ऑब्वियस बात है ना। ये मेरे सामने खड़ा है अल्ट्रा हीरो ब्राइन, ये है अपना आईवी, ये अपना आईवी है, ठीक है? एंड वेल हम सब इससे पहले हम सारे डिस्कॉर्ड कॉल पे थे, एंड इन दोनों ने मतलब जो हमारी टीम के दो अलग दूसरे मेंबर हैं उन लोगों ने बात वगैरह कुछ की ना थी, तो मुझे ना पता वो कौन है, बट आई भी जा रहा था फाइट करने के लिए, तुम देख सकते हो, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो एक्चुअली, ठीक है? एंड हाँ मेरा तुम हाथ की कंडीशन तुम्हें पता है, और सुबह लिटरली भैया बहुत ही गंदा पेन हो रहा था, तो तुम मेरा मूवमेंट देख के अभी से ही पता लगा सकते हो मेरा मूवमेंट कितना बेकार आ रहा है ना। एंड फिर भी तुम्हारे भाई ने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम देख सकते हो भैया इतनी शानदार तरीके से प्रिंचिंग करते हुए जा रहा था, सारा सब देख कर चौंक गए मेरे को, भैया इतना खतर न, मत, ये वाला पार्ट मैं एक्चुअली कट करने वाला था, तो तुम इसे इग्नोर कर देना है ना। मेरे को उम्मीद है कि तुम सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर रखी होगी, किसी ने कुछ भी नहीं देखा होगा, आई बिलीव सो किसी ने कुछ भी नहीं देखा होगा, ठीक है? एंड वेल यहाँ पर अपने आईवी भैया ने एक बैट तोड़ दिया येलो वालों का। वेल इनको याद रखना, येलो वाली टीम में भी बीजी ट्यूबर्स है, वेल ये पूरा बीजी ट्यूबर्स का ही टूर्नामेंट था, तो सारे के सारे बीजी ट्यूबर्स है, जितने भी है सारे बीजी ट्यूबर्स है। हाँ ये जरूर है किसी किसी ने अपना नाम चेंज कर रखा है, लाइक मी ओजी अटोमिक्स, तो हाँ मतलब काफी सारे लोगों ने मेरी तरह ने नया अकाउंट बना के आए थे, तो इस वजह से ओके। बट वेल काफी लोगों के नाम तुम्हें पता ही होंगे क्योंकि काफी लोगों ने ओरिजिनल नाम ही रखे हैं, बट मैंने कहा कि भैया इस बार तो पूरी तैयारी वैयारी के साथ जाऊंगा, काफी सारे ब्लॉक्स लेके जाऊंगा, बढ़िया क्लच व्लच मारता हुआ जाऊंगा, बट मैं फिर भी वेट करता रहा। मैंने कहा भैया कि आपकी मतलब पूरा आर्मर वगैरह पहन के ही जाऊंगा, ऐसे मतलब वीराना बस्ती की तरह नहीं उठ के जाऊंगा दोबारा से, मतलब किसी ने पकड़ लिया धर लिया तो पेल देगा। एंड यार इस बार मैं स्पंज ले जाने वाला था क्योंकि इंसान अपनी गलती से सीखता है, है ना? हाँ वो बात अलग है, तुम्हारा भाई लेट सीखता है, बट मैं भी सीखता हूँ गलती से, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है? एंड वेल सामान सट्टा सारा रेडी है, मैं जाने वाला था पहले ग्रीन पे, बट देन मैंने सोचा कि आई भी और मेरी टीम के बंदे अगर येल्लो पे जा रहे हैं तो मैं भी येल्लो पे चल लेता हूँ, क्या दिक्कत जा रही है ना? वैसे भी येलो पे ऑलरेडी अटैक हो रहा था, तो मैंने सोचा भैया ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों पर हमला करने की। सामने मेरे को एक एचपी वाला बंदा दिखा, मैंने कहा तू आ जा ब्रदर तू मेरा है, बट सडनली ये आ गया मेरे सामने जिसने मेरे को पेल दिया। या मैं लिटरली भैया बताऊं कसम से इस वाले के लिए कतई भी है ना तैयार नहीं था, ओके? सिंगो ने मारा मेरे को जिसके लिए मैं लिटरली कतई भी रेडी नहीं था। एंड वेल भैया यहाँ पर मेरे हाथों की मूवमेंट देख के मैं क्लियरली समझ चुका था कि इन लोगों के बीच में मेरा तो भैया कुछ नहीं होने वाला, ओके? बट स्टिल पीछे मैं यहाँ पर सामान ले रहा था, और इतने में भैया अपने आईबी ने कहा कि आ जा चार्ज करते हैं, मतलब कहा नहीं था रिक्वेस्ट मार रहा था सपोर्ट के लिए, तो मैं पहुंच गया भैया, जैसा सामान था जितना सामान था उतने में ही पहुंच गया। यार तुम देख सकते हो मैंने गलती से 200 और बाय कर ली थी हड़बड़ाहट में, क्योंकि वो बुलाई इतनी जल्दी जल्दी रहा था, मैंने कहा भैया क्या मौत आ गई किसी को,
तो इसलिए मैं निकल लिया। मैंने कहा भैया जितना सामान है जो सामान है चल दो, लेट्स फाइट, ठीक है। तो मैं आ गया, मेरे कहा आई वी डोंट वरी, तेरा भाई आ चुका है, लेट्स गो एक्चुअली, है ना। तो वो यहाँ खड़ा था और उसके हाथ के मूवमेंट देखो, मुझे लगा वो बोल रहा है कि तू नीचे जा। मैं बोला ठीक है, मुझे क्या जा रहा है, मैंने ब्लॉक प्लेस करके अपनी एचपी कटने से बचा लूंगा मैं यहाँ से गिरने पर, एक ग्लिच है ना, हाँ वो। तो मैंने कहा भैया ऐसे करके अपन आराम से अपनी एचपी कटने से बचा लेंगे और लेट्स गो, इन लोगों पर रश कर देते हैं क्योंकि आई भी कह ही रहा है। एंड मैं कुछ भी नहीं देखा, मैं सीधा ही कूद गया। एंड यहाँ कूदने के बाद आई भी अपने से क्या बोलता है देख रहा तुम, ठीक है। उसने मेरे से कहा, मतलब कहा नहीं, मतलब मैसेज आता है ना, उसने कहा बैक टू डिफेंस। मेरा दिमाग खराब है, बावड़े नशेड़ी क्या बोल रहा है तू, आराम गोरा, मैं नीचे आ गया तो बोल रहा बैक टू डिफेंस है, और वो फरार भी हो गया। पर मैंने कहा कि भैया इतनी दूर आया हूँ तो या तो मरूंगा या मारूंगा, सो मैं टूट गया। और मारने का पता नहीं, मैं समझ गया मैं मरूंगा तो मैं भाग रहा था, बट ससुरों ने धर लिया मेरे को। भैया इस धोखे के बाद मैं डिसाइड कर चुका था कि आई भी अब तू मेरे सामने चाहे जिंदा कट के मर जाए तो मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, बट उसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी। एंड मैंने कहा कि ब्रो अगर तू इस बार फिर बुला रहा है तो मैं आने में क्या ही संकोच करूंगा, मैं आ जाता हूँ। पीछे से ये विजी भैया कुछ बोल रहे थे, मैं रुक गया, मैंने हाँ भाई बोल, के कह रहा के चारा जिंदगी में के कलेस है तेरे, बट वो कुछ नहीं बोला, वो जा रहा था। मैंने सोचा शायद मुझे भी उसके साथ रश करने जाना है, तो मैंने कर लिया, मैंने ब्रो था तू जहाँ चलेगा वहाँ तेरे साथ मैं भी चलूंगा। बट वो बंदा हमारे पास आ रहा था तो उसको देख के मैं थोड़ा पीछे हो लिया, बट बीजी को साथ में देखकर मैंने सोचा चलो जय माता दी, झूठ पड़ो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एंड बस वही आप ब्रिजिंग स्टार्ट, बट बिना निंजा सूज के भाई बहुत ही दिक्कत आ रही थी ना। आज तुम इसमें तुम देख सकते हो मेरा व्यू लिटरली फुल था, ठीक है, बट स्टिल मेरे को पता नहीं क्यों कम लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट लग रहा था। एंड वेल मैंने सोचा पीछे मेरे बंदे आ ही रहे हैं तो मैं भैया इन पर सीधा टूट पड़ता हूँ। फिर भी मैं अपनी टैक्टिक ये चोरी को देखकर मैंने सोचा कि अब तो तू मरेगा ससुरे मेरे हाथों ने हाथों नाल, या मैं गलती से नीचे गिर गया था एंड मैं अड़बड़ाहट में मर गया था। वेल भैया अभी तक मैं इतना तो समझ चुका था कि मेरे हाथ की कंडीशन की वजह से मैं अब इन लोगों से सीधा बैटल तो नहीं लड़ सकता, ओके। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैंने काफी दो अपने पास ब्लास्ट बॉम्ब रख लिए थे, फायर बॉम्ब, एंड मैंने सोचा मैं एक काम करूंगा, मैं इनका बैट डिफेंड वीक कर दूंगा, देन ये दोनों जाकर उसे तोड़ देंगे और हम इनका बैट तोड़ पाएंगे। तो वेल यही डिसाइड करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का सोचा। एंड या अभी भी निंजा सूज की हैबिट है मेरे को, यप हाँ। सो मैंने और आईवी ने डिसाइड किया था कि हम दोनों ना इन लोगों पर बमबारी करके इनका पहले डिफेंस वीक करेंगे और देन इन लोगों को पेलेंगे, मतलब करेंगे कछू तो करेंगे यार, ऐसी बात तो ना है ना। सो यप हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी, बट ये लोग भी ऑलरेडी स्मार्ट थे, इन्हें पता था हम क्या करने वाले, ऑब्वियसली बात है बीजी ट्यूबर से सारे के सारे, तो इतनी टैक्टिक तो ये सभी के पास है कि भैया कब क्या करना है। सो फिर भी हम लोग अपना बेस्ट दे रहे थे, आई भी यहाँ खड़ा था, मैं भी यहीं पे आ गया, मैंने कहा तू बमबारी करेगा तो मैं भी करूँगा, डिफेंस तो तोड़ना पड़ेगा ना उनका, मतलब बम लाए हैं साथ में तो यूज़ करना पड़ेगा, इनको घर ले जाने से कहीं मूड मेरा था नहीं, तो मैंने कहा जय माता दी फेंको फेंको, और देन मैं खुद कूद गया इनके ऊपर। ये मत पूछना मैं कूदा क्यों था, और आग में ही कूद गया। अरे हाँ तुम देख सकते हो मेरा व्यू कम आ रहा है ना, मेरा व्यू एंगल कम है, पता नहीं आज क्या इसी टाइम क्या इश्यू आ गया था, बट आ रहा था ओके। बट वेल समहाउ आई सर्वाइव और मैं इन लोगों से बचकर ऊपर आ गया। क्या कि भैया इनके हाथ से मरकर अपना सामान वेस्ट करने से चाहे वापस घर ही निकल लेता हूँ, क्योंकि वो चारों के चारों फॉर्मेशन में थे, इवन तो उनका बैट ओपन था, बट मैं फिर भी नहीं तोड़ पाता। तो मैंने कहा घर चलते हैं, वैसे भी एक छोरा हमारे बीच में बमबारी कर रहा है, मैंने कहा ससुरे रुक जा तो है मैं पकड़ूं और तेरी बमबारी मैं करवाऊं ओके। देन मैं उसके पास आ रहा था एंड वो कूदा, मैंने कहा ब्रदर तू कूदेगा हम ना कूदेंगे, क्या ऐसी कैसी बात कर रहा है, मैं कूदा एंड यप। बट वेल यहाँ कूदने पर एक चीज थी जो मैंने देखी, तुम देख सकते हो येलो वाला बंदा, जी हाँ वो पैराग्लाइडर यूज कर रहा था, जिसको लिटरली बैंड लिस्ट में रखा गया है, येलो वाला। मैं लिख भी रहा था अपनी टीम से कि भैया येलो वाला रूल्स ब्रेक कर रहा है, वेल सबको पता था, सब जानते थे येलो वाले चीटर्स हैं, बट यार उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो चीटिंग करे चाहे जो करे उनकी कंडीशन तुम देख सकते हो डेड, या वो लोग हार चुके हैं तो अब इससे कोई मतलब भी नहीं बनता कि उन लोगों ने चीटिंग की है क्या की, बट हाँ येलो वालों ने चीटिंग की,
वो लोग तो गेम से बाहर थे। अब हमारी कंडीशन ज्यादा सबसे सब में बेस्ट हमारी ही पोजीशन थी, ठीक है। ब्लू का एक बंदा, सॉरी ब्लू तो हम ही है, हमारी टीम फुल है, ठीक है। प्लस हमारा बैट भी नहीं टूटा अभी तक। एंड दूसरा, रेड वाले की कंडीशन बहुत बुरी है एंड ग्रीन वाले की कंडीशन तुम देख ही सकते हो। सो यप, इन लोगों का मरना तय है और हमारा गेम जीतना ऑब्वियस है। बट वेल, इतने में आ जाता है हमारे ऊपर एक रेड का बंदा और वो बमबारी करने लग जाता है। देन मैंने कहा कि रुक जा साले, तो है मैं करवाऊं बमबारी है। तो मैंने कहा कि रुक जा ब्रदर, रुक जा, अब तेरे को ब्लॉकिंग के जलवे दिखाऊंगा मैं। यप, मैंने कहा तू बमबारी करेगा ना, कर ले, तेरे आगे ही डिफेंस तैयार कर दिया मैंने। ले अब वेल भैया, डिफेंस वगैरह तो हमारा काफी सही हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं चल लेता हूँ, इन लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा पीवीपी में, जो मैं शायद नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे हाथ की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी मतलब स्पीड नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, मैं किसी के सामने अगर लड़ने जाता तो खुद ही मर के आता। बट मैंने कहा चल लेता हूँ, मतलब भीड़ में एक आधे लठम भी बजा लेंगे, क्या पता हमारा काम बन जाए, है जी। सो वेल, वो रहा ग्रीन का बंदा, भगता हुआ जा रहा है। बैनेक्स पेल दिया है बेचारा, गंदी बात, बहुत ही गंदी बात, उसके पीछे सब पड़ लिए थे। बट वेल, उसके पीछे सब नहीं पड़े थे, वो तो फिर भी बच गया क्योंकि उसके पीछे एक ही था, विजी अपना सही खेल रहा है। बट जो सामने तुम देख रहे हो ना, वो लोंडा भैया भगा भगा के मारा जाएगा क्योंकि उसके पीछे हम सारे के सारे पड़ने वाले हैं, सारे के सारे, कसम से सारे के सारे उस एक अकेले लावारिस के पीछे पड़ने वाले हैं हम, ठीक है। नहीं, इस वाले के नहीं, इस वाले के पीछे तो हम बमबारी करके मारेंगे। यप, विजी को भैया बढ़िया, मतलब मैं बताऊँ गेम में सही परफॉर्मेंस किस किसने दी, एक तो आईवी ने और एक विजी ने, बहुत सही परफॉर्मेंस थी, ठीक है। मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी, आई नो, क्योंकि सुबह तो भैया देखो, एक तो कुछ होता है ना, मतलब कभी तुम्हारे लग जाती है, कर जाती है, तो तुम्हें पता होगा सुबह के टाइम आई डोंट नो क्यों बट बहुत दर्द होता है, ठीक है। इसी वजह से मैं आज कोचिंग भी नहीं गया था, ना ही क्लासेस, ना ही कुछ और, बट समहाउ वी वॉन एक्चुअली, ठीक है। एंड ये मैंने असिस्ट किया, तुम देख सकते हो एक असिस्ट था मेरा भी, ओके।